2004 में एंटागनिस्ट होंगी फीमेल एक्टर। क्या दीपिका पादुकोण को फिल्म में विलेन के लिए किया गया है अप्रोच? धूम फ्रेंचाइजी किस बात से जानी जाती है? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज के एक और नई और चटपटी वीडियो में, जहां आज मैं पूनम बात करने वाली हूँ धूम 4 के बारे में। यश राज प्रोडक्शंस ऑल सेट है उनकी धूम सीरीज की अगले इंस्टॉलमेंट को बड़े पर्दे पर लाने के लिए। धूम सीरीज एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जिसका स्टारडम भी उतना ही बड़ा है। धूम के हर इंस्टॉलमेंट से लोगों के धूम फिल्म से एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। ये राज प्रोडक्शंस उनकी बिगेस्ट फिल्म में से एक है और धूम 4 कमिंग ईयर में लॉन्च करने वाले हैं। धूम फ्रेंचाइजी के बारे में हमेशा बहुत सी स्पेकुलेशन हमें सुनने को मिलती है। ऐसी फिल्म जो जानी जाती है स्टाइलिश चेस सीक्वेंस और एग्जॉटिक लोकेशंस के लिए। धूम सीरीज हमेशा सरप्राइज करती है जब बात आती है फिल्म में एंटागनिस्ट के किरदार की। धूम यशराज फिल्म्स की एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसमें विलन ऑडियंस को हर बार सरप्राइज कर देते हैं। जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन से लेकर आमिर खान तक, धूम फिल्म से एक ऐसे ही देखने को मिला है कि विलन हमेशा बुरे नहीं होते और वो कुछ काम ऐसे करते हैं जिसमें उन्हें और लोगों को कुछ हेल्प मिलती है। ये फ्रेंचाइजीज 15 साल पहले शुरू की गई थी। अभी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार यशराज प्रोडक्शंस फिल्म में फीमेल विलन को इंट्रोड्यूस करने वाली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। खबरों की मानो तो दीपिका पादुकोण से फिल्म को लेकर डिस्कशन जारी है और इस बार क्वीन दी द एंटागनिस्ट प्ले करने वाली है। उनकी फिल्म की डेट को सॉर्ट करने पर धूम 4 को साइन कर सकती है। फिलहाल उन्होंने यशराज प्रोडक्शंस के साथ ही टीम अप किया है और उनकी शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म पठान के लिए। दीपिका शौकीन बत्रा की फिल्म भी कर रही है सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडा के साथ। ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि दीपिका पादुकोण अटली के नेक्स्ट फिल्म में भी लीड एक्ट्रेस होने वाली है। द्रौपदी के लाइफ पर बेस्ड और महाभारत के अडॉप्शन पर बेस्ड ये फिल्म है। बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को और अगली वीडियो में कुछ नई और चटपटी बातों के लिए इंतजार करें। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है रुशाली ने।